और इसके ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा पार्ट्स लगे हैं। देखिए 10 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। 10 पैसेंजर की सीट्स है, एक हाथ जितना बाहर निकला है। सिर्फ एक ग्रिल को चेंज करने से इसकी शेप में पसंद कर लें, इसमें से गाड़ी आप देख लें कौन सी गाड़ी आप लेना चाहेंगे। हाईएस के समंदर में ले आया हूँ आज मैं, 100 कुछ का था मेरा तो ख्याल है, यहाँ पे कोई 400-500 तो खड़ी होंगी। अस्सलामुअलैकुम नाज़िर, मैं हूँ उमर। और नाज़िर मैंने 4 हफ्ते पहले एक वीडियो अपलोड की थी हाईएस वैन की, आपने उसे सबसे ज़्यादा पसंद किया और वो सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली वीडियो है इस वक्त की मेरी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको हाईएस के मैं समंदर में ले जाऊं, और आज मैं आपको लेकर आया हूं। यहां पे बेशुमार हाईएस खड़ी हैं, उनकी एक एक लुक मैं आपको दिखाता जाता हूं, किस किस तरह की हाईएस हैं हम लोग देखना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले खड़ी है रेजियस एस और सुपर लॉन्ग डीएक्स में और हाई रूफ में। तो ये है पहली गाड़ी, क्योंकि गाड़ियां बेशुमार खड़ी हैं यहाँ पे, तो मैं जल्दी जल्दी से गुजरता जाऊंगा। फिर ये है सुपर जीएल हाई एस, और ये हाई रूफ में नहीं है, ये है 2015 का मॉडल। फिर ये एक और 2015 का मॉडल है और ये 3000cc है, और इसके ऊपर थोड़े से एक्स्ट्रा पार्ट्स लगे हैं। देखिए फिर ये है 2015 का मॉडल ग्रैंड केविन और हाई रूफ में, 2700cc होती है ये, और इसके अंदर 10 पैसेंजर आराम से बैठ सकते हैं। 10 पैसेंजर की सीट्स हैं। तो इंशाल्लाह इसकी जो प्राइस वगैरह है मैं आपको तफसील में बताता जाऊंगा, एक एक वीलॉग में, एक एक वीडियो में पिकअप करता हूं। लेकिन आज का जो वीलॉग है ये स्पेशल है, स्पेशल हाईएस फैन के लिए। तो ये है 2016 का मॉडल। अब तो बैक से भी लुक देख लेते हैं। ये हाईएस सुपर जीएल 2016 का मॉडल। फिर ये गाड़ी, ये देखिए कस्टमाइज की हुई है हाईएस, ये 2015 का मॉडल है और कस्टमाइज की हुई है हाईएस वाइड सुपर जीएल में है। और इसका पार्ट्स देखें जो इस्तेमाल हुए इसके अंदर, देखिए हेडलाइट से कितना बाहर निकला बम्पर, एक हाथ जितना बाहर निकला है। तो इसकी साइड से लुक है, तो इसकी बैक से भी मैं आपको लुक दिखाता हूँ। ये देखें बैक पे भी इसके जो पार्ट्स इस्तेमाल किए हैं। तो डिपेंड करता है आप किस तरह की गाड़ी पसंद करते हैं, अगर आप कस्टमाइज करना चाहते हैं इस तरह की भी गाड़ियाँ होती हैं। फिर ये आगे, इसको मॉडलिस्टा के पार्ट्स लगे हैं, ये बहुत फेमस पार्ट्स हैं, आप यकीनन इसका नाम जानते होंगे। तो अब जो सा है एक एक लुक मैं आपको गाड़ियों की दिखाता जाता हूँ। ये थोड़ा सा और ओल्ड मॉडल है, तो देखने में भी देखने पता चलता है ये ओल्ड मॉडल की लाइट है, 2006 का मॉडल है। फिर आगे ब्लैक कलर में, ये भी 2700cc है और 2017 का मॉडल है ये हाईएस। अभी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ये मैं आपको एक लाइन दिखाई है, यहाँ से और लाइन शुरू हो जाती है और ये लाइन मुसलसल आगे तक जा रही है। और इस रूफ़ के ऊपर पता नहीं कितनी 100 से ज़्यादा हाईएस खड़ी हैं इस वक्त। तो ये देखें, इसमें से आप कोई गाड़ी सिलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप कोई गाड़ी पसंद कर लें इसमें से, गाड़ी आप देख लें कौन सी गाड़ी आप लेना चाहेंगे। तो अब ये निसान है, निसान में भी देखें उसी तरह की शेप आती है, कैरावान है निसान की, तो ये मिलती जुलती गाड़ी है जो हाईएस के साथ, निसान की शेप देखें कितनी मिलती है।
तो रेजिस में मार्क फ्रंट का यहाँ पे लगा नहीं हुआ, तो ये अच्छा नहीं लग रहा। शेप देखिए इसी की अच्छी लगती है, जहाँ पे टोयोटा का एम्बलम आता है इसी की शेप ज़्यादा प्यारी लगती है। फिर ये और हाईएस हैं, तो जो हाईएस के फ़ैन हैं वो तो मेरे ख्याल से देख के इसका मॉडल भी बता सकते हैं, उन्हें यकीनन उसकी शेप में भी फ़र्क नज़र आता है। और जो बिल्कुल मेरे देखने वाले न्यू व्यूअर्स हैं जो गाड़ियों के बारे में इतना नहीं जानते, उनके लिए शायद ये वीडियो थोड़ी सी बोरिंग हो, लेकिन मुझे पता है जो हाईएस को पसंद करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही अच्छी होगी, उनको मज़ा आ रहा होगा वीडियो देख के। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि मैं एक एक गाड़ी में अपने वीलॉग में दिखाया करता हूँ, लेकिन मुझे पता था कि हाईएस में तो बहुत सारी किस्में होती हैं और मैं एक एक पिक करना शुरू करूँ तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो मैंने सोचा सबसे पहले मैं आपको जो इसकी एक नज़र है वो मैं आपको दिखा दूँ, तो मुख्तलिफ हाईएस में आपको दिखाना चाहता था, तो आप देख सकते हैं। फिर इस साइड पर भी ये मुसलसल हाईएस खड़ी हुई हैं। अगर कहीं पे ट्रैवल करना हो 10 के करीब लोग हों, 8-10 लोग हों, तो ऐसी गाड़ी इस्तेमाल की जाती है। जापान में भी रेंटा कार के तौर पे ये इस्तेमाल की जाती है, मैंने भी काफ़ी दफ़ा इस्तेमाल की है। अगर फैमिली के साथ कहीं पे बाहर जाना हो, दूर जाना हो, ये कार हम लोग रेंट पर लेते हैं। तकरीबन इसका रेंट बनता है एक दिन का 15,000 yen तकरीबन इसका पे करते हैं। जैपनीज भी काफ़ी इस कार को इस्तेमाल करते हैं रेंटा कार के तौर पर, और ग्रैंड कैबिन ये तो बेस्ट है, इसमें सामान इतना ज़्यादा आता है, बेहतरीन कार है। अगर आपने ट्रैवल करना है, एक दो दिन कहीं पर ट्रिप पे जाना है ज़्यादा लोगों के साथ, तो इससे बेहतरीन कार नहीं है, क्योंकि ड्राइव में भी कंफर्टेबल है, बस इतनी बड़ी भी नहीं है, आप इजीली कहीं पे भी जा सकते हैं। सेडान वगैरह से बस थोड़ी सी बड़ी है ये। तो नाज़रीन ये गाड़ियाँ तो ख़त्म नहीं होंगी, ये गाड़ियाँ बेशुमार खड़ी हैं। और जैसा कि मैं वीडियो के शुरू में बताया था आपको कि मैं आपको हाईएस के समंदर में ले आया हूँ, आज यहाँ पे बेशुमार हाईएस खड़ी हुई हैं, इनमें एंड नहीं है, ये जाई जा रही हैं, ख़त्म नहीं हो रही, दूर दूर तक देखें। मैं 100 कुछ का था, मेरा तो ख्याल है यहाँ पर कोई 400-500 तो खड़ी होंगी, बहुत बड़ी जगह है, ह्यूज जगह है। तो मेरी वीडियो तो ख़त्म नहीं होगी, ये समंदर में मैं आ गया हूँ। तो आज की वीडियो को मैं इतना ही करता हूँ, मैं आपको एक लुक दिखाना चाहता था कि हाईएस की बहुत सारी किस्में होती हैं, एक एक को पिकअप करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सबसे पहले मैं आपको एक लुक दिखाता हूँ, फिर इंशाल्लाह जैसे ही मौका मिलता जाएगा मैं एक एक पिक करके भी आपको अपलोड करता रहूँगा मेरे यूट्यूब के ऊपर। मेरे चैनल को ज़रूर देखते रहें, इंशाल्लाह मैं आपको इसी तरह गाड़ियों की इन्फॉर्मेशन और जापान की इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा। और आज के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।